देखिए, ये है सैमसंग का J5। इसमें यानी कि फोल्डर प्रॉब्लम है, इसका टच काम नहीं करता था। इसमें डिस्प्ले अच्छा था, बशर्ते इसका डिस्प्ले रिप्लेस नहीं हो सकता। तो इसका डिस्प्ले अभी अच्छा ही है, पर अगर से इसे निकालना चाहे तो ये निकालना नामुमकिन ही है। अगर कोई सी भी कोई मशीन रहे, ये नहीं निकल सकता। सिर्फ ये निकलेगा तो भोपाल या कहीं बाहर बड़ी मशीन से निकल सकता है। तो ये मैंने मार्केट से लाया हूँ नया, ये कंपनी का ओरिजिनल ही है। ये मुझे 1200 रुपये का पड़ा है, और ये लगभग अपने दुकान में इसको 1500-1600 रुपये ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लगा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से साफ कर ले, किनार से पूरा साफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें पूरी डस्ट वस्ट या पहले की गोंद है। ये इसका एक दो बार ये फोल्डर रिप्लेस हो चुका है। कैसे? क्योंकि इसमें गोंद लगी हुई है। इसमें गोंद नहीं लगाना चाहिए, जिसने भी लगा होगा। ठीक है, अब हम इसमें लगा रहे हैं। ये है हमारा नया वाला। इसमें पहले बटन बटन हम डाल देते हैं। ये इसकी बटन है, ये बटन है। ठीक है, मैं लगा के दिखाता हूँ। ये क्विक को लगाना पड़ता है, तभी ये अपना टच चिपकेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने जमा लिए इस फोल्डर को। ठीक है दोस्तों, मेरे दोस्तों को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। इस केप को लास्ट में ही लगाएं, जिसमें बिना खोले हुए भी मोबाइल का फोल्डर चेंज हो जाता है।